वहीं रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने एक अगवा किए गए 3 साल के बच्चे को उत्तराखंड से सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चे को 3 मार्च को अगवा किया गया था, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जांच के लिए करीब 1000 सीसीटीवी के कैमरे की फुटेज खंगाली गई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। के आसपास 2 लोग बाइक में आए और बच्चे को चोरी करके किडनैप कर लेकर के चले गए। सुबह जानकारी हुई और जो कि मासूम बच्चा 3 वर्ष का बच्चे का प्रकरण था, पुलिस ने ध्यान लेकर के कल तक रायपुर पहुंचेगी, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें क्राइम यूनिट की टीम ने और सिविल लाइन की टीम ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए IG रेंज की तरफ से 30,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी टीम के लिए घोषित किया गया है। बच्चे के माता पिता बेहद खुश हैं, उन दोनों अपने बच्चे को वापस मिल गया ये जान करके। और पुलिस की इस कार्रवाई से एक अच्छा मैसेज गया है कि सभी के लिए पुलिस बहुत मेहनत से अपना काम। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा थाना क्षेत्र के संकरा में अवैध कबाड़ का गोरख धंधा फिर तेजी से पैर पसारने लगा है। जानकारी के मुताबिक अवैध कबाड़ का गोरख धंधा करने वालों ने संकरा धनेली के बीच संकरा की सीमा में किराए से एक यार्ड तक ले रखा है। यहां से यह पूरा गोरख धंधा संचालित होता है। वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच भी कई बार अवैध कबाड़ा कारोबार को बंद कराने की मांग कर चुके हैं।